अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम आप लोग अपने चैनल क्योंकि नाज़नीन में वेलकम कहते हैं। और व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूवर्स, अब चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है गोश्त के हवाले से, जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो है मटन आलू। तो मतलब ये मटन आलू गोश्त कैसे बनेगा, इसकी रेसिपी क्या है, पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये मैंने ना गोश्त ले लिया, तो मैंने लहसुन अदरक डाल दिया, एक टमाटर डाल दिया, तो मैं ये ना एक चम्मच मिर्च का आधी चम्मच हल्दी की एक चम्मच नमक, ठीक है। ये दो प्याज मैंने काटे थे वो मैंने डाल दिए, ठीक है। अब इसमें ना दही भी डालूंगी मैं, वो भूनते वक्त इसी ना, ठीक है। तो ये देखे ना मैंने ना सब मतलब सिंपल हम लोगों ने सब कुछ डालकर, हमारे जो नमक मिर्च और हल्दी पाउडर है, प्याज टमाटर, इसको हमने पकने के लिए रख देना क्योंकि गोश्त पकने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने, मैंने टमाटर भी डाल दिया पहले पका लेना और आलू हम लोग बाद में डालेंगे। अच्छा जी, अब ये ना मैं ना पकने रख देती हूँ, उबाल आएगा ना फिर आग हल्की, ठीक है। ठीक जी। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो सा आलू गोश्त का गोश्त था पहले बनने के लिए यहाँ पर रख दिया था, इसको हम लोगों ने एक उबाला दिला लिया, तो इसको उबाल आ चुका है। यहाँ पर अब हम इसको गलने के लिए रख रहे हैं और जब तक हमारा गोश्त नहीं गलता हम वेट करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों से कहा था कि हम लोग गोश्त गलने का वेट करते हैं, तो गोश्त यहाँ पर गल चुका है। तो हम लोगों ने अब इस दौरान इसके अंदर आलू शामिल कर दिए हैं क्योंकि गोश्त को टाइम थोड़ा ज़्यादा लगना था, इसलिए हम लोगों ने पहले उसको पकने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर इसी दौरान हम लोगों ने जो है आलू शामिल कर दिए हैं, तो इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो रहा है। तो इसके पानी खुश्क होने के बाद इसके अंदर हम जो नमक मिर्च वो सब कुछ हम लोग नहीं पहले डाला हुआ बेटा, अब दही, सॉरी दही दो से हम लोग तीन चार और जैसा बनेगा। ये बहुत ही मज़ेदार सी जो से हमारी मटन आलू की आज की रेसिपी है तैयार हो रही है, तो ये बिल्कुल देख जैसा बनेगा। आप लोग इसको घर में बनाएं, हमारी वीडियो को देखें और इसको बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत ही आसान है ये, आप लोग इसको बना सकते हैं। तो हम लोग उनके अंदर दही भी शामिल कर दिया, नमक मिर्च हम लोगों ने पहले ही जब हम लोगों ने गोश्त रखा था बनने के लिए तो इसके अंदर डाल दिया था, लेकिन आलू हम लोगों ने बाद में डालने थे तो आलू हम लोगों ने डाल दिए। इसी दौरान हम लोगों ने इसके अंदर दही डाल दिया है और बबल्स इसके अंदर बन रहे हैं, तो घी भी हम लोग इसको डालेंगे, इसकी भुनाई करेंगे और देखते हैं कि जो मज़ेदार से हमारी रेसिपी है। अभी ना इसमें घी भी नहीं डाला जी। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक चम्मच जो सा जीरे का है वो भी शामिल कर दिया है। हम लोग यहाँ पर इसकी अब भुनाई करेंगे और घी डालकर हम लोगों ने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लेना है, डेढ़ भी डाल दिया, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने दो बड़े चम्मच यहाँ पर कुकिंग ऑयल के लिए हैं, उसको डालकर हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने जीरा डाल दिया, उसको हम लोग हिलाते हैं। अब अच्छी तरह ना इसे भूनेंगे, तो उसके पानी डाल के ना पकने के लिए रख देंगे, आलू गल देंगे। हाँ जी, ये घी निकल आया मसाले में से, अब मैं ना पानी डालती हूँ, वो अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं कम ज़्यादा, मतलब शोरबा एक और। अब हम लोग क्योंकि हमारे अभी आलू जो उनसे पके नहीं है, उनमें कसर है, तो इसलिए हम लोगों ने पानी डालकर जो है वो आलू रख देने ताकि वो पक जाएं। तो हम लोगों ने तकरीबन दो कप इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर जो आलू हैं उनको पकने का वेट करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। हाँ जी, कि जो हमारी आलू गोश्त की रेसिपी है, जो हमारा मटन आलू गोश्त है वो कैसे तैयार होगा और फाइनल लुक कैसी होगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया। इसके अंदर मेथी भी डाल दी है आपने। हाँ जी, मेथी भी डाल दी है और गरम मसाला भी डाल दिया, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो इंशाल्लाह खाने में भी बहुत मज़ेदार होगा, बहुत मज़ेदार मेथी की जो खुशबू आ रही है। तो गोश्त भी गल गया है, आलू भी गल गए हैं, तो बहुत ही मज़ेदार सा जो सा आज हम लोगों ने आपको मटन आलू गोश्त की जो रेसिपी सिखाई है, तो इसको ट्राई करें और इंजॉय करें। और इसके अंदर मेथी डालने से, वैसे तो मतलब इसकी अपनी खुशबू थी, ख़ास जायका भी है, लेकिन मेथी डालने से ये हो गया है कि एक ख़ास तरह की और अच्छी स्मेल हो गई है उसकी ना। तो यहाँ पर हमने इसको डिश आउट कर दिया, अब आप उसको गर्मा गर्म नान के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ और इसको इंजॉय करें।
और इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो सी हैं वो दिखने को मिलती रहें। तो अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा, हम आप लोगों के लिए दुआगो हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।